भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, और इस पुरी में जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति है वो अधूरी क्यों है? भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध रथ उत्सव और इस भगवान जगन्नाथ के धाम में कैसे पहुंचा जाए, इस तीन टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है हिंदू के जो पवित्र चार धाम है, उन चार धामों में से पुरी एक धाम है। तो आज हम इस वीडियो में पुरी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। वार्षिक रथ यात्रा उत्सव। दोस्तों, इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस उत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। अब मंदिर के बारे में जानते हैं। वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। फिर सन 1197 में जाकर उड़ीसा शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र और ध्वज, चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के भीतर है, इसका प्रतीक है। अब मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अग्रु वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौन करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई थी। तब उसने कई तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए और राजा ने ही ऐसा ही किया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ी कारीगर और मूर्ति के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि वे एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे, कोई भी अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर बाहर आ गया। राजा ने कहा, मूर्ति तो अभी अपूर्ण है। तो मूर्तिकार ने बताया,
यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। यहाँ कैसे पहुंचा जाए? अगर दोस्तों आप यहाँ हवाई मार्ग के जरिए आना चाहते हैं तो पुरी में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन केवल 60 किलोमीटर दूरी पर भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है जिसका नाम है बीजू पटनायक एयरपोर्ट। भुवनेश्वर से दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। अगर आप पुरी के लिए ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो देश के कई प्रमुख शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है। सड़क मार्ग की बात करें तो जगन्नाथपुरी सड़क के रास्ते देश के अधिकतर शहरों से जुड़ा हुआ है। गुंडीचा मंदिर के नजदीक स्थित बस स्टैंड से भुवनेश्वर और कटक के लिए हर 10-15 मिनट में एक बस उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। आप जब भी पुरी की यात्रा करेंगे तो आपको ये उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।